कई लोग इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि मेरी तो किसी से पटती ही नहीं, मेरी किसी से जमती नहीं साहब। क्यों? आज के लोग अलग हैं, हम अलग हैं, स्वभाव नहीं मिलता है। देखो आप, वस्तु स्थिति तो ये है कि पटती किसी की किसी से नहीं है, परंतु संसार में जब हम आप आ गए हैं तो पटे चाहे न पटे, जो समझदार हो उसको पटा के ही चलना होगा। पटती नहीं है, हाँ, जो समझदार हो वो पटा ले। आप कहेंगे तो समझदार कौन है, आप ही बन जाओ। दूसरे को हम समझदार घोषित ही क्यों करें? क्यों हम समझदार क्यों नहीं बनना चाहते? कई लोग नाराज हो जाते हैं तो दो दो चार चार दिन बोलते नहीं आपस में, महीनों नहीं बोलते, कोई अच्छे लक्षण थोड़ी है। न बोलना कोई कला नहीं है, बोलना चाहिए। सामने वाले को अवसर देना ही नहीं चाहिए कि वो बोलें, क्योंकि उनको बोलना होता अब तक बोल चुके होते। हम ही बोलें क्यों? अब तो इसलिए कि हम ही समझदार हैं, वो तो बदलने वाले नहीं, हम ही बदल जाते हैं। कोई चोला थोड़ी बदलना है, इसको मानिए, ये अभी प्राय है, इसको समझना है। सती अम्बा की बाबा से नहीं पटी तो सती अम्बा ने फिर क्यों मांगा? जन्म जन्म शिव जन्म जन्मांतर शिव जी के सिर चरणों में हमारी प्रीत दृढ़ हो। श्री हरि से वर मांगा, क्योंकि जानती है सती अम्बा कि भोले बाबा केवल श्री रघुनाथ जी की ही सुनते हैं और किसी के नहीं सुनते। इसलिए हरि सन वर उन्हीं से मांगा, प्रभु आपे कुछ करेंगे तब ये परिणाम आएगा। जन्म जन्म शिव इस कारण माँ भगवती पार्वती जी के रूप में हिमांचल महाराज और मैना माँ के अंक से माँ भगवती जी का अवतरण हुआ। नारद जी ने नामकरण किया, ऐसा वर घर मिलेगा, शर्त क्या है? आपकी बिटिया तप करे। हस्तरेखा ऐसा कहती है कि अमुक अमुक प्रकार का इनको पति मिलेंगे, और जो जो वर के हमने लक्षण बताए हैं वो सब शंकर भगवान में है। शंकर भगवान न घर न द्वार न बंगला न गाड़ी न कौनो लोक, शंकर भगवान से ब्याह कैसे होगा? मैना माँ कहने लगी, महाराज जैसा नारद जी ने बताया यदि ऐसे वर से ब्याह होगा तो लोग कहेंगे अरे पर्वत है ना, जड़ है, जड़ का व्यवहार किया। महाराज कोई उपाय बताइए। कह मुनि से हिम मंत सुन जो विधि लिखा लीला देवदनुज नर नाग मुनि कोई मिटाने वाला नहीं जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया, परंतु जो विवाह शंकर संग होई 200 गुण सम कह सब कोई। कारण क्या है? शंभु सहज समरथ भगवान शिवजी सहज सामर्थ्यवान है, भगवान है, पांच तत्वों के नियंत्रक हैं। आप बिटिया को कहिए कि वो जाकर भगवान शिव हेतु तप करे। मां ने कठोर तप किया, आकाशवाणी ने आशीष वचन दिए,
हे भवानी, हे पार्वती जी, ऐसा कठोर साधन तब किसी ने किया नहीं, आपने किया, आपको शिव जी अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। जाइए, पिताजी बुलाने आए, घर अवश्य जाइए। ये माँ भगवती की कथा यहाँ बाबा पूर्ण करते हैं। अब शिव चरित्र है, चार वाक्य। सती मैया ने शरीर त्यागा, भगवान शिव को वैराग्य हो गया। जीव के वैराग्य का कोई न कोई क्षण उपस्थित होता है, उसमें उपस्थित हो जाता है। कहीं ज्ञान देते हैं, कहीं लेते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं। बहुत दिन बीता, भगवान ने दर्शन दिया और जाय विवाह शैल जह यह मही मांगे वर मांग लिए। भगवान ने सिरोधार्य किया। आगे तारक नाम के असुर की कथा है। तारकासुर देवताओं को बहुत त्रास दिया है। देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इसने वर मांगा है, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्म हुई हमारा वध करे। शिव जी समाधि में बैठे हैं। तुम लोग कामदेव को प्रेरित करो, जो कामनाओं के देवता हैं, उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करे तो मैं प्रार्थना करके विवाह की रचना बनाऊंगा, तभी तो उनके तेज से पुत्र उत्पन्न होगा। देवताओं ने बहुत रचना बनाई, बहुत समझाया, कामदेव तैयार नहीं हुआ। क्यों? जानता है गए तो ध्रुव मरण होगा। लोक मर्यादा हेतु, लोक मंगल के लिए, लोक प्रतिष्ठा हेतु, लोक कल्याण की भावना को इतना भर दिया देवताओं ने, कामदेव तैयार हो गया। भगवान शिव के पास पहुंचा, बसंत का निर्माण करे रंभा आदि कृपना नृत्य करती हुई कैलाश के चारों ओर ऐसा मधुर भाव प्रेरक वातावरण बन गया, परंतु भगवान शिव की समाधि हिली नहीं, टूटी नहीं। भगवान शिव के सन्मुख जाते ही उनके दिव्य तेज को देख करके कामदेव डर गया, थरथर कांप गया। सोचता है वापस जाऊंगा तो क्या कहूंगा। दिव्य वृक्ष के पल्लों में छिप गया कामदेव। पुष्प के धनुष पर पांच बार साध करके भगवान शिव के हृदय पर छोड़ दिया। विषमबाण लगते ही बाबा के नेत्र खुले। दाएं देखा बाबा ने, बाएं देखा कोई दिखा नहीं। जब ऊपर देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयम कोप कंप उतरे, तब शिवती सर नयन उघारा चितव तब शिवती सर नयन तब शिवती सर नयन जोगी अटंटक भये पति गति सुनत रति मोर भये बहुगति बहु भाति करुणा करनि शंकर तई गई अति प्रेम करि विनती विदित विधि छोड़ि कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला तिलक बोले सही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला तिलक बोले सही अवला तिलक बोले सही अवला तिलक बोले सही अब ते रति तमनाथ कर हो यह नाम यनं बिनु बप व्यापी सब ही पुरी सुनन जमेलन जब जदुवंश कृष्ण अवतार